तो अमेठी हत्याकांड से आसपास सनसनी मची हुई है। न्यूज 18 घटना वाली जगह पर पहुंचा, आसपास के लोगों से बातचीत की, क्या कहा उन्होंने जरा सुनिए। ये दुर्गा पूजा की मूर्ति रखी गई है, तो 7 बजे के करीब वहाँ पे आरती प्रारंभ होती है और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। तो ये जो अमित मेडिकल स्टोर जो है इसी बिल्डिंग में सामने चलता है, उसके संचालक राम मनोहर यादव जी वो पुलिस को बताए कि हमारे यहाँ फायर हो रहे हैं, तो पुलिस के साथ हम लोग भी उनके साथ भागे और यहाँ आए तो उस गैलरी से अंदर जैसे ही अंदर आए तो मान लीजिए कि आंगन टाइप में था, तो ये जो नल लगा हुआ है वो पेंट की बाल्टी रखी हुई है, पेंट की बाल्टी का जो मग्गा गिरा हुआ है इस जगह शिक्षक का शव पड़ा था और जस्ट बगल में बुलेट का निशान पड़ा हुआ है और जस्ट बगल में जो दूसरा निशान है इस जगह पर उनकी पत्नी का मतलब शव पड़ा हुआ था। हालांकि पत्नी के शरीर में वाइब्रेशन था लेकिन चूंकि उनको अस्पताल ले जाते समय डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और अमेठी में परिवार के हत्याकांड से जुड़ी खबर आ रही है जहां पर मृतक के परिवार ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। मृतक के दोस्त का बड़ा खुलासा हुआ है, चंदन ने दी थी कई बार धमकी और चंदन की धमकी से पूरा परिवार सुनील का डरा हुआ था और इसके बाद अब इस हत्या को अंजाम दिया गया। अब इस तरह के शातिर अपराधी का एनकाउंटर किया जाए, इस तरह से जो सुनील है उसके दोस्त ने कहा है। और अमेठी हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर आ रही है जहां पर पुलिस ने चंदन वर्मा को हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंदन वर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। जिस तरह से अमेठी में एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, पुलिस और एसटीएफ लगातार उसकी तलाश कर रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब चंदन वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ इस वक्त पुलिस की तरफ से एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। चंदन पर परिवार ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था और काफी दिनों से चंदन की तरफ से इस परिवार को धमकी मिल रही थी। इस पूरे मामले में अब बताया जा रहा है कि चंदन को हिरासत में ले लिया गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, जो एसटीएफ और पुलिस में हमारे सोर्सेज हैं वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि चंदन वर्मा पुलिस और एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है, उससे पूछताछ की जा रही है और करीब करीब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। जो पीड़ित पक्ष है जिनकी हत्या हुई है, उस घर में चंदन वर्मा का आना जाना था, सब लोग आपस में परिचित थे और इस पूरी वारदात को चंदन वर्मा ने अकेले ही अंजाम दिया है। कुछ फुटेजेस ऐसे आए हैं जिसमें वो अकेले बुलेट से आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके खटखटाने पर घर का दरवाजा खोला गया, क्योंकि कल भी ऑफिसर्स ने यह बात कही थी कि कहीं भी फोर्सफुल एंट्री के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, सब आपस में परिचित थे लिहाजा घर का दरवाजा खोला गया है और चंदन वर्मा ने 32 बोर की अवैध पिस्टल से पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ताबड़तोड़ फायरिंग की है जिसमें सुनील, उनकी पत्नी पूनम और दोनों बच्चों की मौत हो गई। चंदन चूंकि पहले से घर के रास्ते भी जानता था लिहाजा वो पीछे की ओर से कूद कर भागा है, ये भी जानकारी अब तक सामने आई है और मुख्यमंत्री की ओर से चूंकि निर्देश दिए गए हैं सभी आला अफसरों। एक बात बताइए, चंदन चूंकि आप बता रहे कि हिरासत में ले लिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और ये करीब करीब पुख्ता माना जा रहा है कि शायद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, इस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी हो गया है, लेकिन क्या सिर्फ अकेले चंदन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कोई इसके साथ और था? और क्या चंदन की तरफ से क्या इस बात को कबूल कर लिया गया है कि मामला छेड़छाड़ से शुरू हुआ था और इसी के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, ये बात अभी तक जो सामने आ रही है ये पुख्ता सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अकेले ही चंदन ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे फुटेज हैं जिसमें उसके अकेले बुलेट से आने की बात की पुष्टि हो रही है और 32 बोर की जो अवैध पिस्टल है उससे वारदात को अंजाम दिया है। मौके से खाली मैगजीन मिली है, फोके भी मिले हैं, वो कूद के पीछे से भागा है, इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि वजह को लेकर ही अभी भी पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है कि ऐसी क्या बात थी जब उसके खिलाफ ये FIR करवा दी थी पूनम भारती ने कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, जबरन रोका गया, उसके पति से मारपीट की गई है। उस FIR में भी इस बात का जिक्र है कि चंदन वर्मा ने कहा है कि पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, तो उस FIR का बदला लेने के लिए ही चंदन वर्मा ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। क्या चंदन वर्मा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है या फिर पहली बार है कि इस तरह की घटना को
रंजिशन उसने ये अंजाम दिया? देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी भी उसके पूर्व आपराधिक इतिहास की जानकारी तो नहीं हुई है। ये जरूर माना जा रहा है कि 18 अगस्त को जो रायबरेली में ये मुकदमा दर्ज कराया था पूनम भारती ने, उसकी रंजिश में ही उसी का बदला लेने के लिए चंदन वर्मा ने इस वारदात को अंजाम दिया। जब ये भी सवाल किया गया कि आखिरकार दोनों छोटे बच्चों को क्यों मार दिया गया, तो कुछ इस तरह का जवाब भी हमारे सोर्सेज दे रहे हैं कि चूंकि बच्चे भी उसको पहचानते थे, जो बड़ी बेटी थी वो करीब 5 साल की थी वो भी पहचानती थी, तो उसकी पहचान उजागर ना हो जाए ये भी एक वजह हो सकती है कि उसने दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। या ये बात भी मानी जा रही है जो एक दूसरी थ्योरी है कि वो उसके खिलाफ जो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था इसको लेकर के वो इतना गुस्से में था कि उसने पूरे घर को ही खत्म करने की योजना बना डाली थी, और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो अकेला ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल। फिलहाल इसे कहां पर रखा गया है, कहां से इसे हिरासत में लिया गया है, ऋषभ कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए अभी तो ये बात पुलिस के सोर्सेस भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि उसको कहाँ रखा गया, कहाँ उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन सोर्सेज ये जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि वो पुलिस की पकड़ में आ गया है। अभी उसकी आगे की क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी ये भी देखने वाली बात हो। बिल्कुल ठीक है ऋषभ, इस पर आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर अमेठी हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है, वो हम आपको बता दें। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, चंदन ने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया था, सूत्रों के हवाले से खबर है। और ऋषभ भी जिस तरह से हमें बता रहे थे मौके पर अकेले ही पहुंचा था चंदन। चंदन वर्मा की व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है, चंदन ने लिखा था 5 लोग मरेंगे। तो व्हाट्सएप चैट चंदन का जो पढ़ा गया है उसमें लिखा हुआ है कि 5 लोग मरेंगे। आशंका जताई जा रही है कि चारों को मारकर आत्महत्या करने की बात भी चंदन कर रहा था, यानी उसका इरादा आत्महत्या करने का था कि चारों को मारने के बाद वो अपने आप को भी मार लेगा। तो 5 लोग वो कौन थे, 4 लोग तो मारे गए, क्या 5वां चंदन था, आत्महत्या के इरादे से वहां पर पहुंचा था? तो अब ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सदर विधायक योगेश वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी विधायक ने शेर व शायरी करते करते अचानक से अपनी जीवन शैली बता दी। विधायक ने खुद ही भरे मन से अपने आप को शराबी कह डाला। ना मैं कभी बदला हूं, मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। अरे वाह भाई वाह, पूरी पूरी खुली किताब हूं मैं आपके सामने। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि विधायक योगेश वर्मा क्या है क्या नहीं है। अगर मैं पीता हूं तो सभा के सामने पीता जीवन में पूरे जीवन में मैंने कभी किसी का खून नहीं पिया। मैं पीता हूँ, अपने मित्र बदली का पीता हूँ, सबके सामने बैठ के पीता हूँ। ये मेरा संस्कार है, संस्कार नहीं है ये हमारी मित्रमंडली, हमारे शासन का संस्कार है। आज प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के एक गुट की बैठक होगी। बैठक में महाकुंभ में संतों की पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन से पहले अखाड़ों के नगर प्रवेश के मौके पर निकाले जाने वाली पेशवाई और प्रमुख स्नान पर्वों पर अखाड़े के होने वाले शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग अब तेज होने लगी है। साधु संत मुगलकालीन नाम पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं।